हाँ भैया आपकी बात हमारी बारी आ गई. हाँ बाबा लोगों को तो घर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है. कुछ नहीं बचा. कुछ बचा ही नहीं. हमारा ये था कि हर काम से पहले अम्मी से इजाजत ले. हाँ. अम्मी की परमिशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे. किसी दोस्त के घर जाना है तब अम्मी की परमिशन. शॉपिंग करनी है तब अम्मी की परमिशन. तैयार होना है तब अम्मी की परमिशन. कहीं भी जाना है. किसी से बात भी करनी है तो अम्मी की इजाज़त. अम्मी की इजाज़त के बगैर हम वो कहते हैं बच्चे पर नहीं मार सकते. हम नहीं मार सकते थे. किसी नेबर के घर जाना है चचा के घर पुप्पो के घर खाला के घर अम्मी से इजाज़त लिए बगैर हम नहीं जा सकते थे. जबकि मेरे सास का ये था कि उन्होंने कभी मना नहीं किया. अच्छा. किसी ने पूछना पड़ता था लाइक उनके घर में वो माहौल नहीं होगा. बिल्कुल भी नहीं था कि जिसने जहाँ जाना है वो कहती थी हाँ चले जाओ तुम्हारी मर्जी. हमारी अम्मा कहती थी मुझसे परमिशन ले मैं बताऊंगी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना. और सास में ये बिल्कुल भी चीज़ नहीं थी. इवन कि जब मेरी शादी हुई तो हमने कभी भी अपनी सास से नहीं पूछा था कि अम्मी कहीं चले जाएँ या कुछ. वो कहती थी कि जा रही हो कहीं. हाँ चलो ठीक है. खुश होती थी कि अच्छा अच्छा. अम्मी को भी जाना बुरा नहीं लगता था लेकिन अम्मी कहती थी कि आप छोटे बच्चे हो आपको नहीं पता इस घर जाना है नहीं जाना इस वक्त यहाँ जाना है नहीं जाना. वो कहती थी माँ का डर रहना चाहिए बेटियों पे. पता होना चाहिए कि पीछे कोई डंडे वाला भी है. तो मेरी सास कहती थी नहीं नहीं अच्छा चले जाओ. कितने बजे आओगे. चलो ठीक है फिर जब आना बता देना. तो मेरी सास बहुत अच्छी थी. कुछ लोग कहते हैं कि आप कहीं खाने वाने पे जाते हैं तो सासें चिढ़ती हैं या उनको बुरा लगता है. मेरी सास कभी चिढ़ी नहीं कभी उन्होंने पूछा नहीं बल्कि वो कहती थी अच्छी लग रही हो कहाँ जा रही हो. अम्मी वो खाने पे जा रही अच्छा ठीक है जाओ. या वो कभी आते कहीं जा रही हो तैयार हो रही हो मैंने कहा जी हाँ जाओ. वो देखती थी मैं सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही हूँ जूते चमक रहे हैं यूँ देखती थी बीना कितनी अच्छी लग रही है. खुश होती थी. वो कहती थी हमेशा तैयार रहो और पूछने की ज़रूरत नहीं है. और हम खुद एहतरामन कहीं जाना होता था तो उनके कमरे में जाके पहले सलाम करते थे. वापस आते तब भी अम्मी हम आ गए. हाँ ठीक है. ये बात जो है ना मैंने शादी के काफ़ी साल बाद सीखी और समझी. जैसे हम कहीं जा रहे हैं ठीक है तो जाके खाने पर जा रहे हैं क्योंकि जाहिर है बुजुर्ग हो जाते ना उनको तैयार होके निकलना कभी कभार अच्छा नहीं लग रहा होता. तो अगर मैं गई हूँ मैंने कहा अम्मी हम खाने पे जा रहे हैं बताएं आप क्या खाएंगे आपके लिए क्या लेकर आए. सिर्फ इतना ही पूछ लेना ना उनके लिए एक लाइक बहुत बड़ी बात थी. बिल्कुल. कि अच्छा हम जा रहे हैं बताएं आपके लिए क्या लेकर आए आप क्या खाएंगे. उनको इतना एहसास हो जाता है कि बच्चों ने हमारा ख्याल रखा. और फिर हम लाते थे उनके लिए तो इतनी खुश होती थी कि यार देखो मेरे लिए लाए. छोटी सी बात. अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ इस बात का अरे तो मैं तो भूल ही गई आपके सवाल करते करते मैं भूल ही गई. हाँ मैं अगर कंपैरिजन करूँ अपनी मदर इन लॉ और अम्मी के उसका मेरी अम्मी जो है वो नेचर वाइज डोमिनेटिंग थी. मतलब डायरेक्टर भी थी पीटीवी की तो उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते थे. तो वो डोमिनेटिंग थी. तो अम्मी की डोमिनेशन थी घर में. क्या पकेगा क्या होगा कैसे क्या चलेगा किसको क्या देना है लेना तो अम्मी का ये बहुत था. लेकिन मेरी उनकी अम्मी जो है वो डोमिनेटिंग नहीं थी. यानी मेरी मदर इन लॉ मेरे ससुर और बच्चे डोमिनेटिंग थे और मेरी मदर इन लॉ डोमिनेटिंग नहीं थी. उनकी नेचर ही नहीं थी. सो वो इतनी प्रॉब्लम एज सच इतनी कभी हुई नहीं. अच्छा आदत थी अम्मा की डोमिनेशन की. हमारे घर में भी यही था कि मेरी सास बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं थी. हमारी अम्मा थी. वो कहती थी कि नहीं मेरे परमिशन के बगैर कुछ नहीं होगा. इवन के हमने अगर टीवी भी चलाना होता था तो हम कहते थे अम्मी ड्रामे का टाइम हो गया टीवी चलाने. तो अगर अम्मी ने परमिशन देनी है तो टीवी चलना है अगर अम्मी ने परमिशन नहीं देनी तो नहीं चलना. गाने सुनने हैं अम्मी गाना टेप चला लें तो हमारे घर में डेक चलता था. अदरवाइज अम्मा ने कहा नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम डेक चलाते हैं. लेकिन मेरी सास की ये बिल्कुल आदत नहीं थी. वो कहती थी मजे से जियो जो करना है करो कर. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.